तो वैसे अभी हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है रेडमी का, और अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये है रेडमी 9 प्राइम, और इसके अंदर अभी लग गया है पासवर्ड लॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर इसका पासवर्ड भूल चुके हैं, पासवर्ड हमें नहीं पता है। हालांकि ये देखेंगे तो सिर्फ 1% चार्ज भी है, तो अभी 1% चार्ज में कभी भी आप ऐसा अनलॉकिंग करने की कोशिश न करें, क्योंकि चार्ज कम रहने से फ़ोन डेड हो सकता है। हालांकि ये फ़ोन चार्ज हो नहीं रहा है, मैंने पिछले आधे घंटे से लगाया है, इसी वजह से हमें इसे अनलॉक करना पड़ रहा है। तो हम पहले स्विच ऑफ कर लेंगे, और सबसे पहले इसका मॉडल आप चेक कर लीजिए। तो मॉडल इसका रेडमी 9 प्राइम है, और अगर आप यूट्यूब पे गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो इसमें पता चल जाएगा कि इसमें चिपसेट कौन सा लगा है। तो इसके अंदर लगा है मीडियाटेक का, तो हम अपना मीडियाटेक वाला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे पूरी तरह से रीड इन्फॉर्मेशन रीसेट FRP और रीसेट फॉर्मेट पे चले जाएंगे, और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। और एग्जीक्यूट करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के सिर्फ केबल लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट बन चुका है और हमारा फ़ोन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। मीडियाटेक वाले फ़ोनों को अनलॉक करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि ये फ़ोन बहुत ही आसानी से अनलॉक हो जाते हैं। तो अभी देखते हैं हमारा फ़ोन का क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए मेकर नेम यहाँ पर आ चुका है रेडमी 9 प्राइम, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सारा इसका स्पेसिफिकेशन जो होता है सब कुछ यहाँ पर दिखा दिया, एंड्रॉइड 11 वर्जन है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 3G यूज़र डाटा भी सक्सेसफुली हो चुका है, और FRP पे भी रुका हुआ है। यहाँ पर FRP भी सक्सेसफुली हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो FRP फेल्ड हो चुका है फाइनली। तो अब FRP को हमें करने के लिए फिर दोबारा हम इस फ़ोन को फिर से चालू करेंगे, और उसके बाद से फिर से इसको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो आप इसका एक दूसरा उपाय कर सकते हैं। इस वाले वर्जन को आपको हटा के दूसरा वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये अक्सर होता ही होता है। तो चलिए हम इस फ़ोन को पहले चालू कर लेते हैं। यहाँ पे कई बार फेल्ड होने की वजह से फ़ोन चालू नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, एक बार डाटा केबल निकाल लेना है। और फ़ोन मेरा चार्ज नहीं, इसलिए मैं वापस डाटा केबल यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, और अपने फ़ोन का यहाँ पे देखिए सिंबल आ रहा है चार्ज नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी मैं इसको अपने मेन सप्लाई में चार्ज करके और आपको दिखाता हूँ। हमें ये जो फ़ोन है सिर्फ अनलॉकिंग के लिए दिया गया है, तो अब हम इसका चार्जिंग पोर्ट वगैरह क्यों चार्ज नहीं हो रहा है इसको हम बनाने अभी नहीं जाएंगे। हम डायरेक्ट इसका बैटरी को बूस्ट करके और अपना काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका बैटरी बूस्ट कर लिया है और अभी फ़ोन को चालू कर दिया है। यहाँ पे हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि जब भी फ़ोन फॉरवर्ड होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है खुलने में। तो अभी यहाँ पे FRP नहीं हटा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोन खुल चुका है, और हमने 14% इसको चार्ज किया है। तो अभी अगर मैं आपको FRP दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली मैं इसे एक वीडियो में ही कवर कर सकता था, इतना लंबा मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे देखिए आपको लॉक का सिंबल दिख रहा होगा, एक वीडियो में ही कवर हो जाता, लेकिन मैंने इसको थोड़ा लंबा किया ताकि आपको देखिए हमारे साथ जो प्रॉब्लम आती है वो चीज़ आपके साथ भी आ सकती है। अब इतना परेशान आप भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये वीडियो पूरा बनाने का ही मकसद होता है कि आप अगर इस चीज़ को देखें पूरी तरीके से तो आपको समझ में आएगी, हाँ ये प्रॉब्लम हमारे साथ है तो आपके साथ भी आएगी, तो आप भी इस तरह से परेशान होंगे। तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन, अब एक बार में कई लोगों के साथ एक बार में ही हो जाएगा, FRP पासवर्ड दोनों अनलॉक हो जाएगा, लेकिन कई लोगों के साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है FRP फेल्ड हो जाता है, तो आपको यहाँ पे दोबारा किसी पुराने वर्जन को इंस्टॉल करके एक बार ट्राई कर लेना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर नए वाले वर्जन को आप ट्राई करते हो तो उसमें भी कई बार फेल्ड होने से दोबारा ट्राई करने से हो जाता है, तो आप एक बार नए वाले वर्जन को दोबारा ट्राई कर लो, और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर से दोबारा तो हम
करेंगे। यहाँ पे सारा प्रोसेस MI के फ़ोनों में एक चीज़ होता है, सारा प्रोसेस पूरा लास्ट तक कंप्लीट हो जाता है, ऐसा लगता है कि FRP अनलॉक बाईपास हो गया, लेकिन अब दोबारा इस तरह का शो आ जाता है। देखिए ये सारे रेडमी के फ़ोनों में होता है, तो फिर से सेटअप पे आएगा और फिर से नया यहाँ पे आ जाएगा वापस से। तो अब ऐसे में जब तक FRP हटाएंगे नहीं तब तक ये खुलने वाला है नहीं, तो हम इसको पीछे से खोल रखे हैं बैटरी बूस्ट करने के लिए। तो दोबारा FRP पे हम क्लिक करके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं, देन अब हमको वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के इसको केबल लगाना रहेगा। तो इसके लिए हमें फिर से इसका ढक्कन पीछे का बंद करना पड़ेगा ताकि हम इसका बटन जो है उसको दबा पाएँ। यहाँ पे हमारा फिर से पोर्ट बन चुका है और देखते हैं क्या होता है, हमारा अनलॉकिंग होता है कि नहीं इसका FRP बाईपास। और यहाँ पे देख सकते हैं FRP सक्सेसफुली डन हो चुका है। तो इस तरह से आप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो काम है वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। अभी हमारा फ़ोन खुल चुका है, अब यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ़ोन खुलने में। तो वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ आप अगर उसको लाइन बाय लाइन देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को कभी भी स्किप करके मत देखा करो। हाँ, जो लोगों को है पता उनको बस मेथड में कन्फ्यूज़न हो रही है तो लोग स्किप करके अपना जो चीज़ जिस पार्ट में जिस कन्फ्यूज़न है वो चीज़ देख सकते हैं। अब उनके लिए पूरा वीडियो देखने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उनको बाकी सारी प्रोसेस पता रहती है तो वो लोग देख सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं, अनलॉकिंग में आप नए हो, रेडमी का फ़ोन आपके पास आया, आपके पास EMT भी है, और अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अनलॉकिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको मैं उसका ज़रूर सलूशन देने की कोशिश करूँगा अपने तरफ से। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट करिए, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और आप ऐसा मत सोचिए कि हमारा टाइम लगेगा, आपको हर शाम के मैं कमेंट पूरी तरह से जितने भी कमेंट होते हैं पूरे शाम को मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट को और उनका जवाब देता हूँ, जिसका तुरंत दे पाऊँ वो दे देता हूँ, नहीं तो शाम सवेरे 2-3 बार मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ दिन में। तो आपका जो भी डाउट्स है आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। अभी देखेंगे तो आपको ये सारा स्टेप क्लियर हो गया और इस बार आपका वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखिए आपका फ़ोन चालू हो गया। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार की वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।